नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एस अकेडमी पे। तो दोस्तों, हम लोग चार प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग पांचवा प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। जैसा कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट का सिलेबस है, हम पांच क्वेश्चनों को हल करेंगे। मैथ के पांच ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम पांच क्वेश्चनों को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, 10 संख्याओं का औसत 6 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाता है तो संख्याओं के नए सेट का औसत कितना होगा? तो इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए ध्यान रखिए, जो प्रत्येक संख्या में बदलाव होता है वही उसके औसत में भी बदलाव हो जाता है। तो प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा हो रहा है तो औसत में भी 12 से गुणा हो जाएगा, तो 12 6 72 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कह रहा है 50 का 860%, यानी 50 का मतलब गुणा होता है और 860 के बाद क्या दिया है, परसेंट, यानी पर और सेंट का मतलब 100। तो दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे और बीच में प्लस लगा है तो प्लस, फिर 860 का 50% पूछ रहा है, तो 50 और परसेंट का मतलब 100। दो जीरो से फिर से दो जीरो कट जाएंगे, ठीक है। अब हम इनका गुणा कर लेंगे, तो 5 से जब हम 86 का गुणा करेंगे तो 430 आ जाएगा और इधर भी 430 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 860। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कह रहा है 5/14 में हम क्या घटाएं कि 7/42 आ जाए। तो हम मान लेते हैं x घटाते हैं तो हमारा 7/42 आ जाता है। अब हमें जो नहीं पता है यानी x, उसको एक तरफ और जो जो पता है उसको एक तरफ रखेंगे, तो क्या करेंगे, हम x को दूसरी तरफ भेजेंगे तो इधर क्या है, माइनस का है, तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और 7/42 को हम बाएँ तरफ भेजेंगे तो प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी 5/14 माइनस 7/42 बराबर एक्स हो जाएगा। अब हम इसी को हल कर लेंगे, तो 14 और 42 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 42, 14 था 42 आ गया, यानी किससे गुणा हुआ है, 3 से, तो ऊपर भी 3 से गुणा हो जाएगा, तो 5 15 हो जाएगा। इधर 42 था, 42 ही एलसीएम आया है, यानी नीचे कोई बदलाव नहीं हुआ तो ऊपर भी कोई बदलाव नहीं करेंगे। अब क्या हो जाएगा, 15 में से 7 घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 8/42, ठीक है। अब ये किसी से कट रहा है तो काट देते हैं, तो 2 4 8 और 2 2 4 दो एक में 2, यानी 4/21 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। 9 और 63 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतः भाज्य हैं, ठीक है। तो 9 से 63 के बीच में वह सारी संख्याएं बतानी हैं जो 9 से कट जाएँ परंतु 3 से भाज्य ना हो, ठीक है, परंतु 3 की भाज्य ना हो। तो 9 से 63 के बीच में कितनी होंगी, तो 9 जो दिया है वो 9 एकम में 9 दिया है और 63 जो दिया है वो 9 7 63 दिया है, तो इसके बीच में कितनी संख्याएं होंगी, 9 2 होगा 18, 9 3 27 होगा, 9 4 36 होगा, 9 5 45 होगा, 9 6 54 होगा, ठीक है। तो यही सारी संख्याएं हैं जो 9 से 63 के बीच में आएंगी और 9 से विभाजित हो जाएंगी, लेकिन वो बताना है जो 3 से विभाज्य ना हो। तो ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, और 9 4 36 ये भी 3 से कट जाएगा, 9 5 45 ये भी 3 से कट जाएगा, और ये भी 3 से कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0। वैसे भी जो 9 से कट जाता है वो 3 से ऑलरेडी कट जाएगा, तो हम डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हैं 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कह रहा है √5 + √3 का होल स्क्वायर माइनस √5 - √3 का होल स्क्वायर। तो इसमें दो फॉर्मूले लगा सकते हैं, a+b का होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं और इधर a-b का होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि ये क्या है, a² है, ये क्या है, b² है, बीच में क्या लगा है, माइनस, यानी ये बन रहा है a² - b² का फॉर्मूला जो होता है a-b और a+b। तो a हमने किसको माना है, इस पूरे को, तो a की जगह क्या आ जाएगा, √5 + √3 और माइनस लगा है तो माइनस लगा दिया, और बी किसको माना है, इस पूरे को, तो इस पूरे के सामने बी आ जाएगा, तो और बाहर माइनस है तो बाहर माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, या फिर हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया a-b और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a+b। तो a क्या है, √3 + √5 + √3 + √5 - √3। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे √3 + का है, यहाँ माइनस का है, तो ये कट जाएगा, और इसके अलावा √5 + होके √2 हो जाएगा, और इस ब्रैकेट में क्या होगा, ये इस ब्रैकेट के अंदर ये जो छोटा ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे तो ये √5 जो है माइनस का आ जाएगा और √3 जो है वो प्लस का आ जाएगा,
ठीक है, तो रूट फाइव यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, तो ये कैंसिल। अब यहाँ से क्या आ गया, रूट थ्री प्लस रूट थ्री, क्योंकि इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी प्लस का हो गया, तो यहाँ भी आ गया टू रूट थ्री। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं तो टू टू जा फोर, और रूट थ्री रूट फाइव क्या हो जाएगा, रूट 15, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पांचों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।